नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। चूंकि आज सावन का महीना आज से शुरू हो, तो सबसे पहली बात इसी की करते हैं, जिसको लेकर शिव भक्तों में काफी उत्साह है। सावन के पहले सोमवार पर शिव भक्त सुबह से मंदिर अभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। भगवान शिव के जयकारे करते हुए शिव भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सावन का महीना हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण महीना माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि सावन में विधि विधान के साथ अगर भगवान शंकर पूजा आराधना की जाए तो भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। और आज इन्हीं मनोकामनाओं के साथ लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक भगवान भोलेनाथ का किया जा रहा है। हर मंदिर में इसी तरह से बाबा भोलेनाथ के जयकारे लग रहे हैं। तस्वीरें हम आपको अलग अलग मंदिरों की भी दिखाएंगे, वहां से हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। लेकिन हम आपको बता दें, शिव शक्ति की पूजा होगी इस पूरे सावन मास 19 अगस्त तक। ये जो सावन का मास है वो चलेगा, और इस मास में बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हर विधि विधान के साथ भक्त पूजा अर्चना करेंगे, चाहे वो घर हो या फिर मंदिर हो, हर जगह। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी, उज्जैन और देवघर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यानी कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की तस्वीर, मध्य प्रदेश और फिर बिहार की तस्वीरें, जहां पर हर हर महादेव की गूंज के साथ गुंजयमान इस वक्त सभी के सभी मंदिर दिखाई दे रहे हैं। आज विशेष पूजा अर्चना हो रही है, क्योंकि सावन की शुरुआत 22 जुलाई यानी कि आज से हो रही है, और आज पहला सोमवार है, इसलिए भक्तों में और ज्यादा इसे लेकर उत्साह है। लोग सुबह तड़के से बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, उनका दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक कर रहे हैं। और तमाम मंदिरों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे तमाम सहयोगी, उनके पास सीधे लिए आपको चलते हैं। वाराणसी से उपेंद्र हैं, गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ हैं, वाराणसी से उपेंद्र हैं। उपेंद्र, सबसे पहले तो हर हर महादेव। और चूंकि वाराणसी में तो भगवान भोलेनाथ कणकण में बसते हैं, आज सावन की शुरुआत हो रही है सोमवार के साथ, किस तरह से भक्तों में उत्साह दिखाई दे रहा है? भक्त कितनी सुबह से आज कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं? देखिए नीलू, सुबह नहीं रात से ही कतारों में खड़े हो गए थे, और आज कंकर कंकर शंकर की काशी में आनंद है, सानंद है। और कहा भी तो गया है कि सानंद आनंद वरे वसंतम मानंद कंदम हद पाप विंदम वाराणसी नाथ मम नाथ नाथम और श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। तो श्री विश्वनाथ की काशी में आज हर हर महादेव बम भोले की आवाज हो रही है। आप सभी देशवासियों, तो क्या है आज मन में, कुछ सुना सकते हैं? जी जी, एकदम सुना सकते हैं। हमारे भोले बाबा के लिए है, ये भोले बाबा खोली ना हो नयनवा, दर्शन करे खातिर भगतन के जुटनवा, भोले बाबा खोली ना हो नयनवा, आज बिहानवा भइले ना। जिले से आए महाकाल की नगरी में, बहुत आनंद की वर्षा हो रही। कलटा करे न कर सके, शिव करे सो हो, तीन लोग नो खंड में, शिव से बड़ा न को। जय महाकाल। तो ये यहाँ पे बहुत, कहाँ से आए आप? आरा से। आरा से दर्शन हो गए? जी जी। तो मनोकामना मांग ले ली बाबा से? जी जी। क्या कहा था इसे? मन तो मन बम बम हो। देखिए कोई दर्शन करके आ रहा है, किसी ने सिद्धार्थ जल चढ़ा लिया, यहाँ बहुत साल मिला ताजी दर्शन होगा ना, मन प्रसाद में कैसे दर्शन मिल। अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ बाबा के कुछ हर हर महादेव सुना सकते हो? भजन बस, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और कोई भजन सुना सकते? हर हर महादेव। कोई भजन बस, ये दर्शन होगा। और यहाँ बिहार से तो कुछ बाबा के बारे में, ये देखिए यादव बंधु भी यहाँ से जल चढ़ा के, आप लोगों का जल चढ़ा गया। ये काशी की देखिए परंपरा है, यहाँ पर यादव बंधु अपनी ही एक पारंपरिक जो वेशभूषा होती है उसमें आते हैं। ये आपको गगरी मिलती है, गगरी में जल चढ़ता है, और यादव बंधु ही सबसे पहले जल चढ़ाते हैं। तो बाबा के दर्शन होगा अभी? नहीं अभी, मतलब वहाँ से केदारघाट से नहाएंगे, वहाँ से जल उठाएंगे, फिर विश्वनाथ जी को आएंगे। तो ये केदार से पहले जल उठाया जाता है केदारघाट से, और सैकड़ों की संख्या में यादव बंधु कुछ इसी वेशभूषा में आते हैं और जल चढ़ाते हैं। तो अभी इस वक्त भोर से जल मंगला आरती के बाद उपेंद्र कह सकते हैं कि सभी की जुबान पर हर हर महादेव है। कुछ दर्शन करके आ गए हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। कुछ लोग लाइन में लगे बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए, उनका जलाभिषेक करेंगे, और वो भी गदगद
जाएंगे बाबा भोलेनाथ के दर्शन के बाद। गाजियाबाद से अमित राणा भी हमारे साथ है। अमित, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए। वाराणसी में तो इस वक्त सभी हर हर महादेव जय भोलेनाथ के नारे से वहां पर गुंजयमान है पूरा का पूरा प्रांगण। वहां पर गाजियाबाद में आप किस मंदिर में खड़े हैं और वहां पर किस तरह की छठा आज सावन के पहले सोमवार पड़ा है, इसको लेकर? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, फिलहाल मैं खड़ा हूँ प्राचीन दुर्गेश्वरनाथ मठ मंदिर में। इसकी मान्यता यह है कि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग निकले थे, ना सिर्फ रावण के पिता बल्कि रावण भी यहाँ आकर पूजा अर्चना करते थे। और देर रात 12 बजे से यहाँ लंबी लंबी कतारें शिवालयों में लगी हुई है। आपको बताना चाहूंगा, 72 साल बाद ऐसा योग बना है कि सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं और सोमवार से ही शुरू होकर सावन सोमवार पे ही खत्म भी हो रहा है। कुछ भक्त मेरे साथ जानेंगे और बात करेंगे किस तरीके से अपने भोलेनाथ को मनाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। भोलेनाथ की जो सारी लीलाई है उन्हें मनाने की जरूरत नहीं है, वो तो मने हुए हैं पहले से। आप आपसे जानना चाहूंगा, पत्थर भी आपके पास है, दूध भी लेके आ रहे हैं, किस किस तरीके से अपने भोले इस देव को मनाएंगे? बेल पत्थर भी है, गाय का दूध भी है, गंगा जल भी है और भांग भी है। ऐसे ऐसे बाबा, देखिए बाबा भोलेनाथ तो प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ बाबा के भजन हो जाए तो अच्छा है। बोलिए भक्तों को कुछ भजन वजन सुनाए, अगर वहाँ पर सुना सकते हैं तो। कोई भजन आता है महादेव का गले में पटका डाला हुआ है आपने? भजन तो याद है, अभी ऐसे याद ना रहे, ऐसे याद नहीं आ रहे कभी। तो जयकारा तो लगाई, तो कम से कम महादेव बोले फौज करेगी मौज। जी बिल्कुल, भोले की फौज करेगी मौज। देख सकते हैं जहाँ तक भी आपकी नजरें जाएंगी वहाँ तक लंबी कतारें हैं। विश्वनाथ मठ मंदिर के बारे में आपको लिए बताना चाहूंगा कि देर रात 12 बजे से लाइन लग गई थी और देख सकते हैं जयकारे यहाँ भोलेनाथ के लगे हुए हैं। रात 12 बजे से ही लाइनें लगी हुई हैं। तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी लाइन है जो कि डबल लाइन चल रही है, यानी कि उसे अगर एक लाइन से हम कर दे तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी लाइन यहाँ होती है। चूंकि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग निकले थे, ऐसे में इस मंदिर की मान्यता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, तो सभी मंदिरों की अपनी मान्यता है अमित, और जो लोग मंदिर जा सक रहे हैं वो मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे हैं। दूध, बेलपत्र, शहद, हर एक चीज से उनका श्रृंगार किया जा रहा है, उनको जलाभिषेक किया जा रहा है, दुग्धाभिषेक किया जा रहा है और सब भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की जुगत में लगे हुए हैं। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, हरिद्वार हर की पैड़ी, बाबा भोलेनाथ आज सावन का पहला दिन और सोमवार का दिन, किस तरह से भक्तों में उत्साह? हरिद्वार में भक्तों में उत्साह जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। कनकल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर पर मैं मौजूद हूँ और दक्षेश्वर महादेव मंदिर के बारे में ये विशेष तौर पर कहा जाता है, ऐसी मान्यता है भक्तों के बीच में, जो भगवान शिव है वो सावन के पूरे महीने जो धरती पर वास करते हैं और यहीं पर इसी मंदिर में जो है भगवान शिव वास करते हैं और यहीं से भक्तों की जो मनोकामनाएं हैं उनको पूरा करते हैं। इसीलिए जो आज सावन का सोमवार है, ये तो यहाँ पर साल भर जो है भक्तों का तांता लगा रहता है। रोजाना यहाँ पर जो है लोकल और जो बाहर के लोग हैं वो रोजाना हरिद्वार में कनकल के दक्षेश्वर मंदिर पहुंचते हैं और यहाँ पर भगवान शिव की आराधना करते हैं। लेकिन सावन के दिनों में, सावन के खास तौर पर सोमवार के दिनों में यहाँ पर जो है रौनक और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आज सुबह से यहाँ पर जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि मंदिर परिसर में किस तरह से जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि जो भीड़ प्रबंधन के लिए जो जिगजैग लगाए गए हैं उनकी अभी आवश्यकता नहीं पड़ रही है और जो लोग हैं रहे हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए भगवान शिव को जलाभिषेक करके यहाँ से जो है रवाना हो रहे हैं। उसके अलावा क्योंकि कांवड़ मेला भी यहाँ पर जो है चल रहा है, लगभग पिछले 1.5 से 2 सप्ताह से कांवड़ यात्रा यहाँ पर शुरू हो गई है और भगवान शिव के जो भक्त है कांवड़ी है उनकी अच्छी खासी रौनकगरी हरिद्वार में दिखाई दे रही है। लेकिन आज से सावन महीने की शुरुआत से विधिवत रूप से माना जाता है कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई, तो कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है आज की भी शुरुआत है और सोमवार से सावन की शुरुआत हुई है। 5 सोमवार इस बार पड़ने वाले हैं। उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, देखिए बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आपको बहुत चीजें नहीं करनी पड़ती हैं। आप अगर गंगा जल चढ़ा दे, भेल धतूरा ये सब चढ़ा दे तो बाबा ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं और वहां तो काशी के कणकड़ में बाबा विराजमान है। किस तरह से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और देखिए लोग अगर वहां पर पहुंच रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद होगी, तो जरा उसके बारे में भी बताइए कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, किस तरह के प्रशासन की तरफ से इन भक्तों के लिए। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहां पर तमाम सारे एसपी के साथ डीसीपी की ड्यूटीज लगाई गई है, बाहर के फोर्स मंगाया गया है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। जो 4 प्रमुख गेट हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, 3, 4, उसके अलावा कुछ इस बार गेट नंबर 4A, 4B भी बनाया गया है। तो
श्रद्धालुओं को निकलने में आने में जाने में दिक्कत ना हो, सभी जगह पर फोर्स तैनात किया गया है। आप यहां पर लगातार जो फोर्स है वो पेट्रोलिंग कर रहा है। आप ये देखिए गुदौलिया चौराहे पर खुद रात में ही वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल अपनी पूरी टीम के साथ आए थे। मंदिर में खुद तमाम ADCP की ड्यूटी लगी है, खुद ADCP तारानी, खुद यहाँ पे जो CP है वो यहाँ पर थे। तो तमाम सारी जो फोर्स के बंदोबस्त है, तमाम सारे जो रास्ते हैं कनेक्टिंग, वहाँ जाम ना लगे इसलिए वहाँ पर रूट डायवर्जन किया गया है। और सावन के मद्देनजर स्कूल भी अब रविवार को वाराणसी में खुलेंगे, सावन के सोमवार में बंद रहेंगे, ये एक व्यवस्था है। इसके अलावा जो भक्तों का सैलाब है वो ही बन रहा है। आप देखिए कतार देखिए, आपकी जहां तक नजर जाएगी आपको इस कंकर शंकर की काशी में सिर्फ उनके भक्त ही नजर आएंगे। कहां से आएंगे, दर्शन कर लिए आपने? जी दर्शन कर लिए, तो आजमगढ़ जिले से हैं। अच्छा, तो मनोकामना बाबा से मांग ले ली? हाँ, मांग ली। कहां से आई हैं? आजमगढ़ जिले, आजमगढ़ से। बाबा का भजन हुआ, कुछ सुना सकती है भजन वजन कुछ बाबा के? कुछ बाबा के एक कुछ भी सुना दीजिए बढ़िया सा। हाँ, पूरब से जब सूरज निकले, जी 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब सूरज निकले मन मेरा मुस्काए, बोलो अम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर भजन गाया आपने, तो क्या कह रहा है मन इस समय? हर हर महादेव कर रहा है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये भाव है, आप किसी से नाम पूछिए तो महादेव, किसी से पूछिए कि कहां से आए हैं तो महादेव, यही तो महादेव की भक्ति है। और नीलू जैसा आप कह रही थी कि बाबा को प्रसन्न करने के लिए, अरे आप बाबा का मैसेज बाबा का संदेश समझिए। जिस जब गाय आपके घर में होती है और बछड़ा पैदा होता है तो लोग उसको छोड़ देते हैं, बाबा ने उस नंदी को अपनाया। धतूरा जिसके यहाँ कटता है उसको काट के हटा दिया जाता है क्योंकि उसका कोई यूज नहीं होता है, बाबा ने उस धतूरा को अपनाया। तो बाबा ने हर वो चीज अपनाई जिसको दुनिया ने कमरा, जिसके वैल्यू नहीं थी। तो यही समझिए, बाबा को प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ नहीं करना चाहिए। एक सिर्फ कहते हैं कि एक बूंद अगर जल आप बाबा चढ़ा दी, बाबा उससे प्रसन्न हो जाते हैं। और इसीलिए काशी में ये कहा गया है कि गंगा तरंग रमणी जरा कलापम और गौरी निरंतर विभूषित वाम वागम और नारायण प्रीमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। तो ये भज विश्वनाथ की नगरी है जहां पर हर किसी को मंगल ही मंगल होता है। और देखिए इसी मंगल की कामना के लिए लोग यहां पर आए हैं। कहां से आए हो? बनारस से। तो बनारस आज खुश हो बाबा के ना बम बम बल का लाल हो बनारस में। ये देखिए बेलपत्र है, दूध है, बाबा को चढ़ाएंगे एकदम, बाबा को चढ़ाएंगे। तो बाबा कुछ भजन सुना सकती है बनारस से? बाबा सुना था बाबा एक सहारा, बोल बम की नारा है बाबा एक सहारा। कुछ सुना दीजिए, एक बाबा का भजन सुना दीजिए, शाम या गंगा सुना दीजिए। बोल बम की, बिल्कुल बम बोल रहा है। आज जो ये कतार है ना भक्तों की, वो टूटने वाली नहीं है। और आज पूरे दिन बाबा भोलेनाथ का इसी तरह से जलाभिषेक होता रहेगा। ये तस्वीरें हम दर्शकों तक लेकर आते रहेंगे, आप लोगों से बातचीत होती रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सावन का महीना शुरू हो चुका है, सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय माना जाता है। मान्यता है कि सावन के हर दिन और खास तौर से सावन के सोमवार को भोलेनाथ की पूजा उपासना से जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसे में देश भर में भक्त भोलेनाथ की कृपा की कामना लिए हुए मंदिर पहुंच रहे हैं। अब आपको गाजियाबाद के एक प्राचीन मंदिर के बारे में बताते हैं, जरा देखिए क्या है इसकी महत्ता। गाजियाबाद के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है प्राचीन दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर। वैसे तो यहाँ साल भर शिव भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन में यहाँ अलग ही नजारा दिखता है। सावन के पवित्र महीने में यहाँ भक्तों की संख्या लाखों में पहुँच जाती है। आप देख सकते हैं सभी अपने इस देव को यहाँ पर बेल पत्ता चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं और भांग धतूरा दूध आदि चढ़ाकर अपने इस देव को प्रसन्न भी कर रहे हैं। और ये गर्भगृह से हम बाहर अभी निकल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद ये पूरा मंदिर प्रांगण बना हुआ है जहां पर अभी भी लोग बाग पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपने अपने इष्ट देव को मना रहे हैं।
इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। कहा जाता है कि यहाँ पहले एक ऊंचा टीला हुआ करता था। एक चरवाहा यहाँ गायों को चराने के लिए आया करता था। ये भी मान्यता है कि जिस जगह शिवलिंग है ठीक उसी जगह पर वो गाय खुद आकर अपने थन से दूध निकाल देती थी। ऐसे में जब चरवाहे ने इस बारे में इलाके के लोगों को बताया तो यहाँ खुदाई की गई और यहाँ पर शिवलिंग निकला। यहाँ पर काशी विश्वनाथ का उपज्योतिर्लिंग माना जाता है, जैसे काशी विश्वनाथ में आपने देखा कि दुर्गा जी भी है, संकट मोचन भी है, काल भैरव भी है, तो यहाँ पर भी दिल्ली गेट के सामने दुर्गा मंदिर है, काल भैरव सेंटिकलैंड में हनुमान मंदिर चौपले पर, तो चारों पीठ है, तो ये सिद्ध पीठ है और उप ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव को बोलते हैं कि या तो कैलाश में वास होता है शमशान में, तो विशेष रूप से यहाँ पर शमशान पवित्र स्थान है। कब से आ रहे हैं? मैं तो बहुत सालों से आती हूँ। क्या मान्यता है इस मंदिर की? बहुत मान्यता है, जो मनोकामना पूरा हो जाती है। अच्छा, तो बंगाल के रहने वाले हैं? हाँ बिल्कुल। यहाँ भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना है, किस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं? मैं देख रहा हूँ कि टोकरी में बहुत सारा सामान था। हाँ बहुत सामान है भरा हुआ है, फूल पत्ती सब लाते हैं अपने, सब लाते हैं। मान्यता ये भी है कि यहाँ रावण के पिता और खुद रावण पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। मंदिर में एक सुरंग भी है। यहाँ पर एक कुआं भी है, उस कुएं के बारे में ये कहा जाता था कि उस कुएं का पानी पीने से जो भी आपकी तमाम बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं, और साथ ही यहाँ पर एक सुरंग भी हुआ करती थी जिसको हालांकि फिलहाल बंद कर दिया है एहतियात के तौर पर। ये वो सुरंग है जो कहा जाता है कि यहाँ से इस सुरंग का रास्ता है जिसको फिलहाल बंद किया गया है। इस सुरंग का कहा जाता है कि ये सुरंग सीधा रावण का जो घर बताया जाता है, नोएडा का जो बिस्लक गाँव है, वहाँ खुला करती थी। भगवान भोलेनाथ पर जो जल या दूध चढ़ाया जाता है उसके लिए एक जलहरी भी बनाई हुई है जिससे लोगों को प्रसाद मिलता है। मंदिर परिसर में एक प्राचीन कुआं भी है जो सीधा हिंडन नदी से मिलता है। यहाँ एक गुरुकुल भी है जहाँ देश के अलग अलग इलाकों से छात्र दीक्षा लेने आते हैं। कितने बच्चे यहाँ गुरुकुल में पढ़ते हैं? हमारे 80 बच्चे पढ़ते हैं। दीक्षा किस तरह की यहाँ उनको मिल रही है और किस उम्र के बच्चे आते हैं इसमें? कम से कम 8, 9, 10, 11 साल तक। कहाँ कहाँ के बच्चे हैं? ये बच्चे 15 प्रांतों से हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कुछ बच्चे नेपाल के भी हैं, हर जगह से बच्चे हैं। इस बार सावन के पास सोमवार पड़ रहे हैं जिसे अद्भुत संयोग माना जा रहा है। ऐसे में श्रद्धालु भोलेनाथ की कृपा पाने का अवसर नहीं खोना चाहते। मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद से न्यूज 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट।